वेलकम टू होममेड रेसिपी। आज बनाएंगे हम मसालेदार काले चने। काले चने हमने 250 ग्राम लिए और रात को भिगोकर रख दिए और सुबह हमने इनको उबाल लिया, 40 मिनट उबाला। और उसके बाद हमने एक पैन लिया और पैन में एक बड़ा स्पून सरसों का तेल डाला और इसको अच्छी तरह गर्म कर कर हमने इसमें जीरा सीड्स और धनिया सीड डाले और इनको थोड़ा सा पकने के बाद हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला एक स्पून और इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि हमने जब चने भी उबाले थे तब भी हमने नमक डाला था, इसलिए हम इसमें अब देखकर ही नमक डालेंगे। बस हम इसमें यही मसाले डालेंगे और ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। इसमें वैसे तो गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, हमने बस यही मसाले डाले हैं। और अब इसमें हम काले चने जो उबाले हुए थे वो डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 10-15 मिनट हम इनको कवर कर कर रख देंगे, तब तक ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा मसाला इन सभी में। पाँच 10 मिनट ऐसे ही कवर करके रखेंगे और उसके बाद हम इसमें काली मिर्च मिक्स कर देंगे। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल भी डाल सकते हैं, हमने काली मिर्च डाली है आधा स्पून। मसालेदार चने बनकर रेडी हो गए और अब हम सर्व करेंगे और बहुत ही अच्छे बने हैं और जमी बने हैं। आप भी बनाएं और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।